उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। दुश्मन देश की नींद उड़ाने फ्रांस से आ रहे 5 लड़ाकू राफेल विमानों के में यूपी के बलिया जिले के भी एक जाबाज विंग कमांडर मनीष सिंह शामिल हैं। मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने से बकवा गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरे गांव में मिठाई बांटी जा रही, दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। जनपद के लोगों का सिर गर्व से तब और ऊंचा हो गया जब उन्होंने फ्रांस से राफेल ला रहे पायलट्स की ग्रुप पिक्चर में मनीष सिंह को देखा। बकवा गांव के रहने वाले मदन सिंह के बेटे मनीष की तस्वीर मंगलवार को अखबारों से लेकर टेलीविजन तक नजर आई। ये देखकर स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा, लोगों ने खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की। गांव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिठाइयां बांटते हुए मनीष के पिता को बधाई देने भी पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसी बागी धरती बलिया के रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसी धरती के लाल विंग कमांडर मनीष सिंह ने चर्चित लड़ाकू विमान राफेल को लेकर फ्रांस से उड़ान भरी। जनपद के बांसडीह तहसील के छोटे से गांव बकवा के लाल मनीष सिंह का परिवार फौजी रहा है। इनके पिता मदन सिंह स्वयं थल सेना से अवकाश प्राप्त जवान हैं। विंग कमांडर मनीष सिंह देश के उन नामचीन पायलटों में शुमार हो गए हैं जिन्होंने फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल को लेकर भारत के लिए उड़ान भरी है। फौजी मदन सिंह के पुत्र मनीष सिंह अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। गांव की गलियों से निकलकर विंग कमांडर तक पहुंचे मनीष की आरंभिक शिक्षा गांव के एक निजी स्कूल नूतन शिक्षा निकेतन में हुई। 6वीं कक्षा तक गांव में पढ़ाई करने के बाद उनकी उच्च शिक्षा करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में हुई, जहाँ इनके पिता सेना में सेवारत रहे। मनीष साल 2002 में इंडियन एयरफोर्स में पायलट हुए। अम्बाला और जामनगर के बाद 2 वर्ष पूर्व सन 2017-2018 में इनकी तैनाती गोरखपुर में थी। उस समय मनीष अपने गांव बकवा आए थे। फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल की डील के बाद मनीष को ट्रेनिंग के लिए सरकार ने फ्रांस भेजा। इनके साथ अन्य विंग कमांडर भी रहे। छोटे भाई अनीश ने बताया कि मनीष को 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस भेजा गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन होने से 3 महीने और वहां रुकना पड़ा। विंग कमांडर मनीष की शादी साल 2014 में लखनऊ की कंप्यूटर इंजीनियर वर्तिका सिंह से हुई। इन्हें एक बेटा काविन सिंह भी है जो 7 साल का है। फ्रांस से रवानगी से पहले मनीष ने अपने पिता मदन सिंह को बताया कि वो जल्द ही राफेल लेकर भारत के लिए उड़ान भरने वाले हैं। पिता फौजी मदन सिंह और माँ उर्मिला देवी ने कहा कि निश्चित रूप से बेटे की उपलब्धि न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पिता ने कहा है कि देश की सेवा में मेरे बाद मेरा बेटा डटा हुआ है, ये सोचकर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वहीं छोटी बहनें प्रियंका और अंकिता भी बड़े भाई की उपलब्धि पर काफी खुश नजर आई। फ्रांस में कितना खुशी है आपको? अब दुनिया को खुशी है तो हमको क्या पूछना है जी, फिर भी आप माँ है। वही तो कह रही हूँ कि दुनिया का इतना खुशी है तो हमको कितना खुशी है। तो मैं मानत चढ़ाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी जी, बहुत खुशी है। तो क्या जब लड़ाई होती है, जब टीवी आप देखते हैं कि चाइना से युद्ध होने वाला है या लड़ाई हो रही है या होने वाली है, तो क्या आप लोगों को डर लगता है उस समय? थोड़ा सा डर तो लगते हैं, लेकिन मैं सोचती हूं कि पूरे दुनिया को तो लड़का गए हैं, हमारे लड़का गए हैं क्लास 6 तक गांव में पढ़े थे, गांव में प्राइमरी स्कूल का नूतन शिक्षा निकेतन उसमें पढ़े थे। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल में हरियाणा कुंजपुरा करनाल, जिसमें वो प्लस टू तक पढ़ाई किए। उसके बाद एनडीए का फॉर्म निकला, एनडीए का कैरी किए, उसके फॉर्म में एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, पास हुए, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पे एयरफोर्स में ज्वाइन किए।
वो राफेल क्या रहे हैं तब रहे हैं। मुझे क्या, मुझे मेरे देश को, मेरे गांव को, जिला को, सबको सबको गर्व की बात है। सबसे अच्छी बात है कि भैया सिलेक्शन में इतने अफसरों में 6 लोग का सिलेक्शन हुआ है जो लेकर राफेल आ रहे हैं। सबसे गर्व की बात है, बहुत बहुत बधाई है भैया को और देश को और जनता को भी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मोदी एकदम दिल खोल लड़ाई करें और राफेल आ गया है, अब दुश्मन को डरना चाहिए, हमको डरने की जरूरत नहीं। तो बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स। अंजलि कहाँ की रहने वाली है? मैं बकवा की, जिला बलिया जी। आज किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं आप लोग? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे घर के मेरे भैया इतना बड़ा काम किया, राफेल लेके आ रहे हैं जो कि चीन को और पाकिस्तान को तबाह कर सकते और उनके खिलाफ लड़ने भी चाह रहे हैं। तो क्या आप भी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम भी जाना चाहते हैं, बल्कि हमारे घर के हमारे खानदान के बाकी सब लोग फौज में ही हैं और हम भी जाना चाहते हैं, तो हम भी जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हैं? ताकि मैं भी ये पाकिस्तान और चीन जैसे ऐसे देश इतने इतने खतरनाक लोग हैं, इतने अजीब से उनको तबाह करना चाहती हूँ ताकि हमारा देश और आगे जाए। उससे हम लोगों का ये था काफी आगे निकलना और देश के बारे में जो भी सेनाओं को लेकर जो भी मतलब बहुत कुछ करना है, उस हिसाब की हमेशा वार्ता होती थी। हाँ शुरू से बचपन से ही उनको एयरफोर्स में जाने की शौक था कि बहुत आगे निकलना, आसमान को छूना है, उस हिसाब का लंबे लंबे जो भी सोचे हैं और मन में आया करता था, उस हिसाब से जो भी बातें जब भी बातें होती थी तो बस पैसा ही था। इंडिया के बारे देश के बारे तो काफी ये चीज है। अरुण कुमार सिंह, कितना गर्व है आपके गांव का एक बेटा जो है जो राफेल लेकर के फ्रांस से लौट रहा है। मुझे पूरा पूरा, मुझे ही नहीं मेरे पूरे गांव को आज फक्र हो रहा है अपने छोटे भाई मनीष पर, जिसने चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए, जो चीन अभी थोड़े दिन पहले फड़फड़ा रहा था उसको सबक सिखाने के लिए जो फ्रांस से राफेल की पहली किस्त आ रही है, 5 राफेल जो आ रहा है उसमें मेरे गांव का हम लोगों का छोटा भाई पद में लगते हैं, वो लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को फक्र है कि हमारे गांव का एक लाल आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है और दुनिया को एक दिशा देने का काम कर रहा है। वही नहीं, हमारे गाँव के नौजवान बहुत उत्साहित हैं, गाँव में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गाँव में पटाखे बजाए जा रहे हैं और उत्साहित इसलिए है कि वो मनीष एक आदर्श के रूप में नौजवानों को स्थापित हुआ है और हमारे यहाँ के और भी नौजवान उनके राह पर चलने का काम करेंगे। हम लोगों को बहुत ही गर्व है, बहुत ही फक्र है। मनीष जी आएंगे तो उनका नागरिक अभिनंदन करते हुए उनके नाम पर कुछ ना कुछ हम लोग तैयार करेंगे जो हमेशा एक यादगार बना रहे और साथ ही वो चिन्ह भी रहे राफेल। क्या राफेल की तस्वीर यहाँ बनवाएंगे अपने गांव में मनीष के साथ? राफेल की तस्वीर के साथ एक हम लोग बोर्ड बनवाएंगे, बोर्ड बनवा कर उसको टनवाएंगे। इसलिए हम लोग आज आने वाली पीढ़ी उससे सबक लेगी, उसको आदर्श मान रही है। आज भी जो नौजवान है उसी आदर्श पर चल रहे हैं और लगभग आपको मैं बता दूं कि मेरे गांव का ऐसा कोई घर नहीं है जहां मिलिट्री में पुलिस में लोग देश की रक्षा में नहीं लगे। अभी जहां आप आए हुए हैं मनीष जी के घर, मनीष जी की तीसरी पीढ़ी से यहां लोग फौज और मिलिट्री में देश की सेवा करते हुए आ रहे हैं। इस तरह से यहां देश की रक्षा करने में अभी जो सर्वोत्तम स्थान, अभी सर्वोत्तम स्थान मनीष ने जो लिया है वो राफेल फ्रांस से लाकर और चीन को जो दहशत में डाल दिया है, ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है और हम अपना गर्व महसूस करते हैं। हम ऐसे उस मनीष को, उस अपने भाई को यहीं से सैल्यूट मारते हैं, अपने गांव के तरफ से, अपने पूरे समाज के तरफ से उसको सलाम करते हैं कि आप इसी तरह गांव का नाम रोशन करते रहें और हम लोगों को आप पर फख्र होता रहे। 1942 के आंदोलन के समय भी यह गाँव एक आदर्श गांव के रूप में, जब कब्जा हुआ था पूरा अंग्रेजी शासन पर, तो यहीं के गजाधर शर्मा तहसीलदार, प्रथम तहसीलदार आजाद भारत के 1942 में ही बने हुए थे। उसके बाद सेनानी हमारे यहाँ थे, अभी कुछ साल पहले 71 में एक शहीद हमारे यहाँ बच्चा सिंह जी हुए थे, बीच में अभी कश्मीर में एक लड़का शहीद हुआ था और
सबसे उच्च स्तर पर और ऊंचाई ऊंची पर चोटियों पर पहुंचाने वाला इस गांव को मनीष पर हम ही केवल हम ही को नहीं हमारे पूरे गांव को फख्र है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम बकवा के निवासी हैं जहां से मनीष पैदा हुआ है और एक राफेल ला रहा है जो चीन जैसी महाशक्ति को भी नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। इसलिए हम लोग यहीं से सैल्यूट मारते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।